स्टार्ट आवर क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट SHT। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चैप्टर 5 एक्सप्लेन कर दिया था और आज हम आपको चैप्टर 5 का बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ए, टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पे टिक करना। फर्स्ट है डैश डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। फर्स्ट स्केल, सेकेंड इक्वेटर, थर्ड डिवाइडर। तो अर्थ को टू इक्वल पार्ट में कौन डिवाइड करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वेटर। यहाँ राइट करेंगे इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। डैश इन द इक्वेटोरियल रीजन कॉन्टेन लार्ज वेराइटी। फर्स्ट फॉरेस्ट, सेकेंड गार्डन, थर्ड लैंड। राइट ऑप्शन है फॉरेस्ट। यहाँ पर राइट करेंगे फॉरेस्ट। फॉरेस्ट्स इन इक्वेटोरियल रीजन कॉन्टेन अ लार्ज वेराइटी। थर्ड मैनी प्लांट सिटिंग एनिमल्स लिव इन द। फर्स्ट फॉरेस्ट, सेकेंड होम, थर्ड कोनोपी। तो मैनी ईटिंग प्लांट्स किस ग्रुप में लिव करते हैं? कोनोपी। यहाँ कोनोपी पे टिक कर देंगे। फोर्थ द इक्वेटोरियल रीजन्स हैव डेंस फॉरेस्ट विच डैश सेटलमेंट। तो यहाँ हो जाएगा आपका फर्स्ट दिया टॉप, सेकेंड टाइनी, थर्ड हाइंडर। तो यहाँ हो जाएगा हाइंडर। फिफ्थ प्लांटेशन एग्रीकल्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। फर्स्ट यूरोपियंस, सेकेंड अफ्रीकन्स, थर्ड ऑस्ट्रेलियंस। तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका यूरोपियंस। यूरोपियंस भी टिक कर देंगे। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। सी क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से राइट वर्ड को चूज करके आपको स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। फर्स्ट दिया है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द डैश हैज ट्रॉपिकल क्लाइमेट। फर्स्ट में हो जाएगा कांगो। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हैज अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सेकेंड इवनिंग्स एंड नाइट्स आर कूल इन डैश रीजन। तो किस रीजन में इवनिंग एंड नाइट कूल होता है? इक्वेटोरियल। सेकेंड में इक्वेटोरियल हो जाएगा। थर्ड इन डैश एंड ह्यूमिड रीजन ट्री एंड अदर प्लांट्स ग्रो क्विकली। थर्ड में हो जाएगा आपका हॉट। यहाँ पर राइट करेंगे हॉट। इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स ट्री एंड अदर प्लांट्स ग्रो क्विकली। फोर्थ इच एरिया ऑफ द डैश हैज थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ हो जाएगा आपका रेन फॉरेस्ट। इच एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। फिफ्थ मैनी डैश इन द रेन फॉरेस्ट हैव अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो फिफ्थ में हो जाएगा आपका एनिमल। यहाँ राइट करेंगे एनिमल। डी ए राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से जो स्टेटमेंट ट्रू है वहाँ आपको ट्रू राइट करना है, जो फॉल्स है वहाँ फॉल्स राइट करना है। मलेरिया इज ए कॉमन इलनेस इन द रीजन। तो मलेरिया इस रीजन का कॉमन डिजीज है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू राइट करेंगे। रेन फॉरेस्ट आल्सो कॉन्टेन द मोस्ट नंबर ऑफ रेप्टाइल्स। ये भी आपका स्टेटमेंट राइट है, यहाँ पे ट्रू राइट करेंगे। थर्ड ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर लिव एपिस, चिंपैंजीज, गोरिलाज, एलिफेंट एंड जगुआर्स। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, इसलिए यहाँ ट्रू राइट करेंगे। ट्री एंड प्लांट्स ग्रो स्लोली इन इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में ट्री एंड प्लांट्स स्लोली ग्रो करते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पे आप
फॉल्स राइट करेंगे. द इक्वेटोरियल रीजन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो इक्वेटोरियल रीजन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच स्थित है. ये स्टेटमेंट राइट है, यहाँ पे ट्रू राइट करेंगे. नेक्स्ट है ई, मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे आपको मैच करना है. फर्स्ट है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, सेकंड साउथर्न हेमिस्फीयर, थर्ड अंडर स्टोरी, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ कांगो, फर्स्ट कोलंबिया, सेकंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, थर्ड नॉर्थर्न पार्ट, फोर्थ साउथर्न पार्ट, फिफ्थ ग्रुप ऑफ क्रीपर्स. तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहाँ पे पाया जाता है? नॉर्थर्न पार्ट में. तो इसको थर्ड से मैच कर देंगे. सेकंड है साउथर्न हेमिस्फीयर. साउथर्न हेमिस्फीयर कहाँ पाया जाता है? साउथर्न पार्ट में. तो इसको फोर्थ से मैच कर देंगे. अंडर स्टोरी किसका ग्रुप होता है? ग्रुप ऑफ क्रीपर्स. तो इसको फिफ्थ से मैच कर देंगे. साउथ अमेरिका पे कोलंबिया, यहाँ कोलंबिया से मैच कर देंगे. और कांगो का क्लाइमेट कैसा होता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है. तो इसको सेकंड से मैच कर देंगे. तो ये आज का आपका होमवर्क है कि आज आप बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और इसको लर्न भी करेंगे. आज की आपकी क्लास यहीं पे ओवर होती